Hey friends, welcome to my channel Angle of Study. Please subscribe my channel and press bell icon for new and important videos. Angle of Study में आपका स्वागत है. आज हम last 6 month की current affair discuss कर रहे हैं, जो कि काफी एग्जाम में पूछी जा चुकी है और पूछी जाना वाली है. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. गैलीलियो किसकी वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है? तो ये जो उपग्रह प्रणाली है यूरोपीय यूनियन की. और अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई भारत की नेविगेशन उपग्रह प्रणाली क्या है, तो वो है IRNSS. इसका मतलब होता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार भारत जापान सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन शुरू किया गया? ये शुरू किया गया है मिजोरम में. और अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस डेट को शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया था 18 अक्टूबर 2018 को, धर्म गार्डियन, जो कि भारत और जापान के बीच हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम त्यौहार 2018 का आयोजन स्थल है? तो है शिलोंग. चेरी ब्लॉसम जो त्यौहार मनाया गया है वो शिलोंग के अंदर मनाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनधन खातों की नई ओवरड्राफ्ट सीमा क्या है? तो ये ओवरड्राफ्ट सीमा है 10,000 रुपये. पहले तो हम ये आपको बताना चाहेंगे ओवरड्राफ्ट होता क्या है. ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि एक वीक के अंदर हम कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, मैक्सिमम पैसा कितना विड्रॉल कर सकते हैं. तो जनधन खातों की ओवरड्राफ्ट सीमा होगी हमारे पास 10,000 रुपये. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के नाम पर किस देश में टावर का नाम रखा जाएगा? तो उस देश का नाम है मॉरिशियस, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मूल्यवान भारतीय कंपनी बनने के लिए TCS ने कौन सी कंपनी को पीछे छोड़ दिया है? तो जिस कंपनी को पीछे छोड़ा है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. और हमें ये बताना चाहिए कि TCS क्या है. TCS का मतलब होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्वदेशी विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक निर्देशित मिसाइल का पोकरण की सीमा में सेना हेलीकॉप्टर से सफलतापूर्वक उड़ान भरने में सफलता मिली है? उसका नाम है हेलिना. और जो ये उड़ान भरी थी वो भरी थी 20 अगस्त 2018 को. अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये पोकरण कहाँ पर है. तो पोकरण जो है ये राजस्थान में है, और यहाँ पर हमारे परमाणु बम का भी परीक्षण किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में 2018 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? जो एशियाई में जो पहला स्वर्ण पदक जीता था वो जीता था बजरंग पुनिया ने. और बजरंग पुनिया जो है वो कुश्ती से रिलेटेड है, कुश्ती गेम से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा PSU PRDS पर लेन देन करने वाला पहला PSU बन गया है? तो उस PSU का नाम है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको हम हेल बोलते हैं, HAL, हेल, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड. हाल ही में सुषमा स्वराज ने पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था मॉरिशस के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनसिनाटी में रोजर फेडरर पर जीत के साथ सभी 9 मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? ये है नोवाक जोकोविक है, वो सर्बिया का खिलाड़ी है. हाल ही में किस शहर में केंद्रीय विज्ञान मंत्रालय ने चक्रवात चेतावनी केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? वो है तिरुवनंतपुरम, केरल. और तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल की राजधानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक बनाया जाएगा? तो वो है मुंबई. नो स्पिन किसकी आत्मकथा है? ये है शेन वॉर्न की. और शेन वॉर्न जो है वो ऑस्ट्रेलिया एक स्पिनर थे, जो कि उनकी आत्मकथा है नो स्पिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 281 एंड बियॉन्ड किसकी आत्मकथा है? यह है VVS लक्ष्मण की. VVS लक्ष्मण इंडियन क्रिकेटर था, जिसने 281 रन बनाए थे एक पारी में, उसी को लेके ये एक आत्मकथा उन्होंने लिखी है, 281 एंड बियॉन्ड. 2018 की पहली छमाई के दौरान दुनिया में शीर्ष 20 प्रमुख हवाई अड्डों में से कौन सा हवाई अड्डा दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता हुआ हवाई अड्डा है? वह है कैंप पगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. और ये जो एयरपोर्ट है
कैंप पगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इसको हम बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाली महिला एथलेटिक कौन है? वो है सरेना सरेना विलियम्स। सरेना विलियम्स जो है वो यूएसए की खिलाड़ी है और टेनिस खिलाड़ी है। भारत के सबसे बड़े तकनीकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? जयपुर राजस्थान में। जो टेक्नो हब जो बनाया गया है वो जयपुर राजस्थान में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस अनुभवी भारतीय महिला तेज गेंदबाज ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्त की घोषणा की गई है? वो है झूलन गोस्वामी। और झूलन गोस्वामी वर्ल्ड की पहली ऐसी महिला बॉलर थी जिसने 200 विकेट्स लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया पर द्विपक्षीय अभ्यास कर रहा है? वह है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मंत्रालय ने मिशन सत्यनिष्ठा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो वो मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 10 साल की अवधि में ओलंपिक खेलों में पदक हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट गांडीव लॉन्च किया है? और उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए ओपन 2018 का विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है। यूएसए ओपन महिला 2018 की विजेता कौन है? नोमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुश्ताक अहमद को किसका नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? हॉकी इंडिया का। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनिया गुटरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018 का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2018 जीता? तो ये श्रीलंका को हरा के भारत ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकसभा के लिए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? उसका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। अगर ये आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो सुमित्रा महाजन है, और महासचिव अभी नए नियुक्ति है स्नेहलता श्रीवास्तव। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्ध फोरम 2019 किस देश में आयोजित किया गया? तो वह है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वें आसियाना शिखर सम्मेलन के लिए मेजबान देश कौन था? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरे यूथ ओलंपिक खेल आधिकारिक तौर पर किस शहर में शुरू हुआ है? ये हुआ है ब्यूनस एयर्स के अंदर, जो है अर्जेंटीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में राजदूत और भारतीय कई स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उसका नाम है पंकज शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यानों में शेरों को घातक केनाइन डिस्पेंटर वायरस, जिसका नाम है CDV, से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया, और वो कहाँ किया गया है? गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में स्थित है, और ये बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस 2018 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? विलियम्स नॉर्दर्स और पॉल रोमर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर साहित्य समारोह 2018 कहाँ हुआ? तो ये हुआ था हॉस्टन में। हॉस्टन जो है वो जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए किस कंपनी को लाइसेंस रद्द कर दिया? और उस कंपनी का नाम है टेक महिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ कप 2018 का विजेता कौन है? मालदीव। और सेफ कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के एक बार हमें ज़रूर बताइए।